संगठनों के नेता शामिल हैं। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बातचीत, बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में शामिल। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में, किसान नेताओं के बीच में बैठक इस वक्त चल रही। बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल हैं। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत जारी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सरकार और किसान नेताओं के बीच में बैठक चल रही है। 32 किसान संगठन के नेता इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत लगातार जारी है। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर इस वक्त सरकार और किसानों के बीच में बातचीत जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस वक्त बैठक उनसे चर्चा जारी है और साथ ही साथ पीयूष गोयल भी साथ में बताया जा रहा है इस वक्त मौजूद है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में शामिल हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर किसानों को लेकर, बुराड़ी से लेकर टीकरी बॉर्डर तक जिस तरीके से हालात मचे थे उसके बाद दिल्ली आने की तैयारी किसानों की थी, लेकिन इसी बीच अमित शाह की तरफ से कहा गया कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जो इस वक्त अवरोध पैदा किया गया है उसको खत्म किया जाए। लेकिन किसानों का साफ कहना था कि वो दोबारा बुराड़ी नहीं जाएंगे और अब सरकार जब तक बात उनकी सुनती नहीं है तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। उसके बाद बहरहाल अब सरकार के मंत्रियों की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से खुद पूरे मामले पर चर्चा की जा रही है। किसानों के साथ पीयूष गोयल भी साथ में मौजूद हैं और साथ ही साथ 32 किसान संगठन के नेताओं को इसमें बुलाया गया जिनसे इस वक्त चर्चा चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस वक्त ये बैठक चल रही है और देखना यह है कि क्या वाकई में समाधान निकलता है कि नहीं निकलता है। सबको इंतजार इस बात का है, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बैठक जारी है, बैठक चल रही है और सरकार की तरफ से ये संकेत जरूर दिया गया था पहले कि सरकार किसी भी तरीके से कानून को वापस लेने की मूड में नहीं है। और अब देखना यह है कि किसानों का आखिर जो वार्ता इस वक्त किसानों के साथ चल रही है उसका समाधान क्या निकलता है, क्योंकि किसान भी इस बात को लेकर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, सरकार आश्वासन नहीं देती, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, तब तक वो वापस अपने घरों को नहीं लौटेंगे। किसानों का ये भी बयान था कि 4 महीने उन्हें दिल्ली में बैठना पड़ जाए, सड़कों पर बैठना पड़ जाए, वो राशन लेकर आए हैं, लेकिन सरकार जब तक उनकी बातों को नहीं सुनेगी, नहीं बातचीत करेगी, तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का ये पड़ाव इस वक्त है और वहां से दिल्ली आने के लिए किसान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तीनों कृषि बिलों को लेकर सरकार की तरफ से साफ ये संकेत दिया गया जब ये पूरा विवाद पैदा हुआ कि सरकार किसी भी तरीके से अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल पीएम मोदी ने भी बनारस में कहा कि सरकार जो बिल लेकर आई है वो कृषि सुधार के तौर पर है, किसानों के फायदे का है, पूरे देश में एक बाजार के तौर पर स्थापित किया गया है और इससे किसानों को फायदा होगा। कुछ लोग गुमराह कर रहे, लेकिन बहरहाल 32 किसान संगठन के नेता इस वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वार्ता कर रहे हैं। पीयूष गोयल भी साथ में मौजूद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जो कि पंजाब से ही आते हैं, इनसे भी बातचीत चल रही, यानी ये भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। किसानों की बैठक रही बेनतीजा, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही। किसानों की बैठक रही बेनतीजा और साथ ही साथ देश भर में फसल बिक्री समेत एमएसपी समेत जो कहा जाए कि खेती को लेकर जो क्लॉज तैयार किए गए हैं उन तमाम चीजों को लेकर कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर किसान सड़कों पर हैं। कानूनी तौर पर सुनवाई का भी एक मसला है, साथ ही साथ एग्रीमेंट पर जिस तरीके से खेती दी जाती है वो भी, और इसके अलावा एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा मसला फंसा है कि अगर बाहरी तौर पर जो व्यापारी हैं वो खरीदेंगे फसल को, एमएसपी अगर सरकार तय नहीं करती है तो मनमाने दामों में उनकी फसलों को खरीदा जाएगा और ऐसे में किसानों को नुकसान पहुंचेगा। तो ये कई ऐसे मांगे हैं जिनको लेकर सरकार के सामने किसान हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त 32 संगठन के किसान नेता
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत कर रहे पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं और दिल्ली के विज्ञान भवन में इस वक्त ये वार्ता चल रही है। देखना यह है कि इस वार्ता के बाद क्या कुछ और समाधान की तरफ रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नतीजा रही है तो किसानों को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठक को लेकर दरअसल बेनतीजा रही, किसानों और सरकार के बीच में बातचीत रही बेनतीजा, इस वक्त बड़ी खबर। किसानों के बीच जो बैठक चल रही थी 32 संगठन के नेताओं के साथ, बताया जा रहा कि बेनतीजा है और किसानों ने कई मांगे अपनी रखी थी। नहीं समिति बननी है, हमारा धरना जारी रहेगा, किसानों ने यह कहा है, इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच में बातचीत जो चल रही थी वो बेनतीजा हो गई है, बेनतीजा रही है, यानी पूरे मामले पर समाधान किसी भी तरीके से अभी तक निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद किसानों का साफ तौर पर यह हुंकार है कि भाई अब उनका प्रदर्शन, उनका इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही, किसानों और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो बेनतीजा रही है, इस वक्त यह बड़ी खबर है। किसानों की बैठक लगातार कई घंटे तक चलती रही, उसके बाद ये खबर इस वक्त आ रही है कि यह बातचीत भी बेनतीजा रही है, समिति नहीं बनानी है, ये बात सामने आ रही। और अगर समिति नहीं बनती है तो किसान धरने से नहीं उठेंगे, उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, ये किसानों ने साफ कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्या क्या मांगे हैं वो भी लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको नीचे दिखा रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं, ये बड़ी खबर है। इनसे बड़े जो कॉरपोरेट हैं उनको फायदा होगा, किसानों की मांग